तिलैया थाना क्षेत्र के करमा में 14 अगस्त की देर शाम एक महिला एवं उसके दो बच्चे के शव एक साथ बरामद होने के मामले में मृतका संजू देवी के पिता प्रभु दास बरही थाना क्षेत्र के डपोक निवासी ने तिलैया थाना में आवेदन देकर मृतका संजू देवी के ससुराल वालों पर दहेज के मामले को लेकर उनकी बेटी संजू देवी एवं उनके दो छोटे बच्चों को मारकर कुएं में डालने का आरोप लगाया है। रविवार को तिलैया थाना में आवेदन देकर मृतका के पिता प्रभु दास ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संजू देवी की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व करमा निवासी पिंटू दास पिता महादेव दास के साथ की थी। आवेदन में उन्होंने कहा है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने करीब 6 महीने तक उनकी बेटी को ठीक ठाक रखा। इसके बाद ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे, जिसको लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच बैठक कर समझौता भी हुआ था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि करीब 6 महीने पहले पिंटू दास, ससुर महादेव दास, सास कांति देवी, मंटू दास, दीपक दास एवं पुष्पा देवी ने उनकी बेटी से दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपए नगद एवं एक मोटरसाइकिल अपने पिता से मांगने के लिए कहा था, जिस पर मृतका संजू देवी ने कहा था कि हमारे माता पिता गरीब हैं, इस मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसे लेकर ससुराल वाले अक्सर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वाले की इस मांग को पूरा नहीं करने पर ससुराल के सभी सदस्यों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट किया था, जिसकी सूचना पर गांव के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर दोबारा से समझौता किया गया था। मृतका के पिता ने बताया कि समझौता के बावजूद भी ससुराल वालों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी बीच 14 अगस्त की देर शाम उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी और दो बच्चे कुएं में डूब गए हैं। आवेदन में मृतका के पिता ने दावा किया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी और दो बच्चे को मारकर कुएं में डाल दिया है। उन्होंने तिलैया पुलिस से मामले की उचित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।